नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। गाजीपुर के पुलिस ऑफिस में खड़े यह ट्रैक्टर और उसे देखने वालों की भारी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि यह ट्रैक्टर आम ट्रैक्टर नहीं बल्कि खास ट्रैक्टर होगा। जी हां, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नंदगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ कर लाए गए 6 व्यक्तियों के पास से यह ट्रैक्टर बरामद हुआ है। यह लोग रात के अंधेरे में जब सभी सो जाते हैं तब इनका सुबह होता था और यह चोरी की बाइक लेकर ग्रामीण इलाकों में घूमना शुरू कर देते थे और जहां भी इन्हें घर के बाहर कोई ट्रैक्टर दिख जाता था तब यह लोग उसे डुप्लीकेट चाबी से या फिर किसी अन्य विधि से उसे स्टार्ट कर गायब कर देते थे। इस दौरान ट्रैक्टर स्टार्ट करते समय कोई जग जाता था तब यह लोग उसे छोड़ कर भाग जाते थे। इसी तरह का एक मामला कुशवाहापुर कासमाबाद इलाके में हुआ था जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी। पुलिस इस मामले में काफ़ी दिनों से लगी हुई थी और उन्हें आज सफलता मिल गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों का कार्य क्षेत्र सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी हुआ करता था और यह लोग चोरी का ट्रैक्टर काफ़ी कम दामों में बेच दिया करते थे। इनके पास से पुलिस ने 3 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर की टाली, 2 चोरी के बाइक, 3 असलहा कारतूस के साथ ही 58,000 रुपये नकद भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि मुख्य अभियुक्त सैदपुर थाना क्षेत्र के तरवा का रहने वाला है। रोड पे खड़ा था तो उठा लेते थे। अब तक कितने ट्रैक्टर उठाए हो? अब तक 2 ट्रैक्टर। बस मात्र 2 ट्रैक्टर उठाए जी। बताओ पहले भी। पहले सर वो लोग 3-4 लोग थे पहले सर, सब लोग तो वो पकड़े गए थे तो बाद में हमारा भी नाम लिए थे तो हम भी पकड़े गए थे। कैसे करते थे आप लोग? गतिविधि कैसे होती थी? रोड पे जाते थे तो रोड पे खड़ा था तो उठा लेते। पैदल जाते थे या गाड़ी? दो चक्का। तो वो 2 चक्का अपना खरीदा होता था या कैसा होता था? नहीं, वो फर्जी था, वो भी चोरी का होता था जी। और ट्रैक्टर को स्टार्ट करते चाबी से करते थे या कैसे? चाबी से। चाबी अपने पास रखे होते थे जी। तो कहाँ का किया था? बनारस से लेके आए एक कासमाबाद। मतलब टोटल कितने ट्रैक्टर का उठाए हो? हम 2 ट्रैक्टर लेके आए। में मई के महीने में एक ट्रैक्टर चोरी हुआ कासिमाबाद थाना क्षेत्र से। उस संबंध में कुछ अधिसूचना मिली थी और उसमें एक CCTV फुटेज मिला था। उसके आधार पर स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने मिलकर इस पूरे केस को विकसित किया और उन्होंने पाया कि एक गैंग ऐसा है गाजीपुर का जो न केवल गाजीपुर में बल्कि आसपास के जनपदों में भी खास करके ट्रैक्टर की चोरी करता है। और नंदगंज का एक आदमी है जो बिचौलिए का काम करता है और चोरी के ट्रैक्टर्स को अलग अलग लोगों को बिकवाता है। इस पर बहुत सघन काम हुआ और काफ़ी परिश्रम के बाद इस पूरे गैंग को चिन्हित किया गया। चोरी करने वाले लोग, बिकवाने वाले लोग और खरीदार जो खरीदने वाले लोग हैं इनको चिन्हित किया गया और कल एक मुठभेड़ के बाद जो अपराधी हैं, जो चोरी करते हैं, बाइक चोरी करते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के आधार पर 3 चोरी के ट्रैक्टर बरामद हुए हैं जिनमें एक कासिमाबाद से चोरी है और बाकी 2 वाराणसी से चोरी है जिनके संबंध में मुकदमे लिखे गए हैं। इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं जो वाराणसी से चोरी हुई हैं। असलहे बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ पर इनके और साथियों के नाम और विवरण प्राप्त हुआ है जिस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता है स्थानीय पुलिस के लिए जहाँ चोरी के ट्रैक्टर और चोरी मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पूछताछ पर एक बड़ा रोचक तथ्य मुख्य अभियुक्त जो है मृत्युंजय कुशवाहा, उसने बताया कि वो अपने साथी के साथ सामान्यतः चोरी की मोटरसाइकिल पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूमता है और जहाँ भी गांव में उसे बाहर सुनसान जगह पर ट्रैक्टर खड़ा मिलता है उसको इग्निशन से डायरेक्ट जोड़कर स्टार्ट करके और चोरी कर लेता है। और ये भी बताया कि कई मौक़ों पर जब ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, आवाज़ हुई, घर वाले जग गए तो स्टार्ट ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। चोरी की मोटरसाइकिल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कहीं अगर फंस गए तो चोरी की मोटरसाइकिल छोड़कर ये पैदल सुनसान जगहों पर भाग जाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनपद वासियों को और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अपने ट्रैक्टर की भरपूर सुरक्षा करें, उसे चौहद्दी के अंदर खड़ा करने का प्रयास करें या ऐसी व्यवस्था रखें जिससे वो बिल्कुल सुनसान जगह पर ना हो।